भी कर लेंगे तो इस तरह का पतीला तो मैंने ले तो पतीले में बनाना था बना रही मैं पतीले में पिज्जा बहुत ओल्ड वीडियोस जो मेरी है ना उसमें मैं बना चुकी हूँ पतीले में पैन में तवे पे बहुत सारी बनी हुई है लेकिन आप लोगों में से किसी ने मुझे कहा था कि पतीले में पिज्जा बनाना बताएं तो मैं आज जो है ना अभी पिज्जा बन रहा है पतीले में सबसे पहले जो है ना इस तरह से मैंने एक बड़ा वाला पतीला ले लिया है यहाँ पर ना ये देखें इसके अंदर ये जो है मैंने रख दिया है ये एक स्टैंड इस तरह का स्टैंड तो आम मिल जाता है तो ये वाला स्टैंड जो है ना मार्केट में इजीली अवेलेबल है नहीं है आपके पास तो कोई भी जो मोल्ड होते हैं ना केक टिन वगैरह उसको उल्टा के रख लें या कोई स्टील का बर्तन है कोई सिल्वर स्टील जो भी है छोटा थोड़ा साइज़ का उसको उल्टा के रख लें और ये फिर पिज़्ज़ा ट्रे है अब ये ट्रे साफ़ सुथरी है ये कैमरे में ऐसी ही आएगी क्योंकि ये मेरी बहुत यूज़ड हो चुकी है तो ये देखें ये इस तरीके से इसमें आएगी आसानी से और हम इसको कवर भी कर लेंगे तो इस तरह का पतीला मैंने ले लिया है दो हमारी राइज होने के लिए रखी हुई है अभी इसकी फिलिंग जो है ना वो बना लेती हूँ और पतीले में आज पिज़्ज़ा बेक देख करते हैं देखती हूँ एक पतीले में करूँ और एक पैन के अंदर भी करती हूँ मतलब दो एट अ टाइम करते हैं कोशिश कि दोनों जो है ना मतलब एक पैन में बना लूँ और एक पतीले के अंदर बना लूँ तो फिर बनाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सब लोगों का उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे खुश रखे आबाद रखे तो यहाँ पिज़्ज़ा की डो तैयार कर लेते हैं और मैंने तीन कप मैदा ले लिया था फिर यहाँ पर दो टेबल स्पून ऑयल के एक टेबल स्पून चीनी का हाफ़ टी स्पून नमक डाला है नमक मैदे के अंदर डाला है, जो साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के जितना गर्म पानी लेकर उसमें यीस्ट भी डाल दिया चीनी भी डाल दी और ऑयल भी डाल दिया तो थोड़ा सा बस यीस्ट राइज हो गया मिक्स कर लिया उसको और इसमें जो मैदा है इसके अंदर डाल दिया है अच्छा बाकी पानी भी मैं गर्म ही इस्तेमाल करूँगी लेकिन पहले जो यीस्ट मैंने डाला था ना वो मैंने सिर्फ हाफ़ कप पानी के अंदर डाला था इस तरीके से ये होता है कि बहुत ज़्यादा पानी आप लेकर तो अगर डाल दें फिर वो या तो आप एकदम से डाल देते डो में डो पतली हो जाती है या फिर वो वेस्ट चला जाता है तो फिर पहले थोड़ी क्वांटिटी में डालें डायरेक्ट आटे के अंदर भी डाल सकते हैं इंस्टेंट यीस्ट है लेकिन जो चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं ना वो इस तरीके से ज़रा जल्दी डिज़ो हो जाते हैं तो बेस्ट रहता है तो बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा गूंद लिया फिर ऑयल से ग्रीस करके इसको मैं डेढ़ दो घंटे के लिए रख दूंगी और यीस्ट इसमें मैंने तकरीबन डाला था वन टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये पैकेट जो था ना वो खुला हुआ था उसमें पूरा रिंग था अच्छा तो यहाँ पर अब जो है पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग है इसके लिए चिकन रेडी कर लेते हैं चिकन बोनलेस ले लिया छोटी छोटी बोटियाँ का काट ली हैं इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है तकरीबन एक टेबल स्पून के जितना उसके अंदर लाल मिर्च डाली है नमक डाला है सिरका एक से दो टेबल स्पून फिर मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाला है गरम मसाला पाउडर का और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा चाट मसाला अगर आपके पास कोई तिक्का मसाला है तो वो डाल दें या जो भी सीजनिंग पसंद हो आप वो डाल सकते हैं तो बस ये चीज़ें डाल के यहाँ पर इसको मैं मिक्स करके कुक कर रही हूँ पानी भी चिकन का गले और बोटियाँ भी गल जाएँ वैसे ये छोटी छोटी बोटियाँ तो जल्दी गल जाएंगी और यहाँ पर ये देखें ये डिज़ास्टर हो चुका है मुझसे क्योंकि जैसे नमक का पैकेट मैंने आज इस तरीके से गलत ही खोला यूँ कि वो जब डालने लगी तो सारा नमक नीचे ही गिर गया तो ख़ैर ये तो इस तरह से काम तो होते ही रहते हैं अभी ये शेल्फ काउंटर बिल्कुल क्लीन है तो ऊपर ऊपर से मैं इसको उठा के डालूंगी बाकी फिर इसको मैं साफ़ कर दूँगी जैसे कि आजकल मौसम बदल रहा है मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है तो ये कि आपकी डो जल्दी राइज हो सकती है अब यहाँ पर मौसम अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा है क्योंकि आए दिन जो बारिशें हो रही हैं ना और जो नीचे वाले पोर्शन हैं वो अभी ठंडे हैं अभी हमने पंखे भी नहीं चलाए तो इसलिए डो को थोड़ा टाइम लगेगा राइज होने में तकरीबन एक से डेढ़ दो घंटे लग जाएंगे लेकिन जो जहाँ गर्मी है तो वहाँ तो डो तकरीबन फोर्टी मिनट्स में सही आपकी राइज़ हो जाती है तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाली बात शेयर कर दूँ जो कुछ लोग होते नए देखने वाले होते हैं या कुछ बच्चियाँ होती हैं जो देख रही होती हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को फिर बाद में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने खुद ही वो <laughs> क्लियर कर दिया है किस तरीके से इस बात का भी ध्यान रखें अच्छा ये देखें चिकन हमारा तैयार हो गया है बिल्कुल ड्राई हो गया और ठंडा भी हो जाएगा उतनी देर तक जितनी देर में डो राइज़ होगी तो यहाँ पर अब हो गई है डो राइज और तकरीबन इसको पौने दो घंटे तो लगे थे अब मैं दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लूँगी एक मैं पतीले में बना रही हूँ एक पैन के अंदर बनाऊँगी तो इसलिए मैंने दोनों को ना इक्वल कर लिया है अच्छा अब यहाँ पर बस जैसे हम बेलते हैं पिज़्ज़ा की रेसिपीज़ बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ लेकिन ये मुझे किसी ने कहा था कि पतीले के अंदर तो आजकल तो वैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं ना जो बिजली के रेट्स आसमान पे पहुँच जाएंगे तो बेस्ट है कि आप जो है ना वो गर्मियों में जो बेकिंग है ना वो पतीले में कर लिया करें केक बहुत अच्छे बेहतरीन किस्म के कि हर चीज़ आप बेक कर सकते हैं पतीले के अंदर बिल्कुल वो ओवन वाला ही काम करता है और ज़ाहिर अपने बजट को बैलेंस भी करना पड़ता है बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ जाएंगे तो उसमें ये होगा कि गर्मियों में आप जो बेकिंग है ना उसको ओवन से पतीले की तरफ शिफ्ट कर दें तो यहाँ पर मैंने ना बेल लिया दोनों को एक ये जो बेकिंग करूँगी पतीले के अंदर बेकिंग ट्रे में मैंने डाल दिया दूसरा पैन नॉन स्टिक ले लिया उसके अंदर डाल दिया है ठीक है फिर किसी भी कांटे की मदद से आप थोड़ा सा इसको पिक कर लें इससे क्या होगा कि नीचे जो हवा है ना वो उसके बबल्स नीचे ही नहीं बनेंगे हवा ज़रा निकलेगी इस तरीके से करने से वरना वो यीस्ट तो अभी राइज हो रहा होता है ना ये प्रोसीजर तो उसका चल रहा होता है जितनी देर में आप ये लगा रहे होते हैं तो वो फूल रही होती है डो अच्छा यहाँ पर जो है अब ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने इसके ऊपर लगा दी है और पिज़्ज़ा सॉस भी मेरी होम मेड है आप सारी चीज़ें ना घर में बना सकते हैं इजीली और कम बजट में बना सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस को बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर जब भी ज़रूरत हो तो आप इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आज कल जो है ये इतनी महंगाई भी है और उसको मैं ये कि अपने बजट को हमने मैंटेन करना होता है बच्चों की जो ख्वाहिशात होती हैं उनको भी पूरा करना होता है और हर चीज़ जो है ना उनको खुद से बना घर में अच्छी मज़ेदार सी दें तो यकीन करें आप किसी भी बड़े ब्रांड की जो चीज़ें हैं ना बाहर जो आप खिला रहे होते हैं बच्चों को तो उसके मुकाबले में बच्चों को मतलब आपकी ये चीज़ें बनी हुई इतनी पसंद आती हैं कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि बच्चों को बाहर के कोई वो ज़ायके इतने अच्छे लगते ही नहीं हैं मैटर ही नहीं करते उनके नज़दीक तो ये होता है कि जब आप बनाते हैं और बनाते बनाते आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है आपको ख़ुद को पता चल जाता है कहाँ कोई कमी रह गई है उसको नेक्स्ट टाइम में कैसे कवर कर लेना है और बेहतरीन कैसे किस्म का बना लेना है आपने खुद ही घर में तो यहाँ जो है ना मैंने इसके ऊपर चिकन भी लगा दिया फिर ये प्याज मैंने काट दिया था शिमला मिर्च के चंक्स काट लिए थे और टमाटर का पल्प निकाल के तो थोड़ा सा उसको भी कट कर लिया था वो तो ऑप्शनल है आप डालना चाहें तो डालें अदरवाइज उसको स्किप भी कर सकते हैं और ऑलिवस नहीं है मेरे पास तो बाकी जो भी चीज़ें अवेलेबल हों उन्हीं से पिज़्ज़ा मज़ेदार किस्म का बन जाता है टेस्ट जायका होना चाहिए आप जो चीज़ें बना रहे हैं ना उसमें फ़्लेवर होना चाहिए बस तो जब वो फ़्लेवर होगा जायकेदार होंगी चीज़ें तो मैटर नहीं करती कि क्या चीज़ कुछ रह गया कि नहीं रह गया यहाँ पर अब इसके ऊपर मैं चीज़ डाल रही हूँ अच्छा मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो ना जो पहली वीडियो आज से तकरीबन छः से सात साल पहले जो वायरल हुई थी वो मेरी मोजरेला चीज़ की ही थी और मैंने उस पर बहुत रिसर्च करके वो वीडियो बनाई थी और उससे पहले यूट्यूब पर वो वीडियो कहीं भी नहीं थी उर्दू में बिल्कुल उर्दू किसी चैनल पर नहीं थी और उस वक्त हमारे पाकिस्तान में कुकिंग के सारे चैनल जो थे ना वो बिल्कुल नए नही आए थे तो ये था कि वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी तो चीज़ भी आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं और फिर ये पिज़्ज़ा जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा चीज़ें तो आपको एक बार लेनी ही पड़ेंगी लेकिन वो एक बार ली हुई चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा काम आएंगी ये नहीं है कि वो एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगी पहली बार में आपको लगेगा कि शायद ये तो पिज़्ज़ा हमें बाज़ार से महंगा पड़ गया लेकिन ऐसा नहीं होगा फिर जब आप उनको आहिस्ता आहिस्ता वो इस्तेमाल होती रहेंगी तो फिर आपको आइडिया होगा कि नहीं ये तो आपका बड़ा ही बजट फ्रेंडली जो है ना वो आसानी से चीज़ें बन जाती हैं अच्छा अब ये लास्ट में मैंने ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया था चिली फ्लेक्स डाले थे और अब मैंने इसको एक को पतीले के अंदर रख दिया एक पैन के अंदर अब यहाँ पर जो आपको टिप्स बता रही हूँ ना उनको जहन में रखिएगा जो हमने पैन में रखा है उसको बिल्कुल दम वाली आँच पर रखना है जिस जैसे हम राइस को दम देते हैं उस आँच पर क्योंकि वो डायरेक्ट हीट है तो नीचे से जले ना यहाँ पर इस होल के अंदर मैंने एक लॉन्ग लगा दी और जो पतीले मैंने उसको मीडियम आंच पे रखा है मैंने क्योंकि वो उसको डायरेक्ट हीट नहीं पहुँच रही और वो बिल्कुल ओवन की तरह ही काम करेगा तो उसको बस आपने मीडियम पर रखना है अच्छा उसके बाद तकरीबन पंद्रह मिनट के बाद या पंद्रह बस पंद्रह के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो पिज़्ज़ा है ना वो कैसा मतलब बेक हो चुका है तो अब यहाँ पर ऊपर तो चीज़ मेल्ट हो गई है लेकिन अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और परफेक्ट इसकी जो नीचे से भी जो है ना वो क्रस्ट अच्छा सा बन जाए तो मैंने थोड़ी सी आँच तेज़ कर दी थी फिर अब ये जो पैन वाला है इसको भी चेक कर लेते और ये देखें ये बस इसको भी तकरीबन दस एक मिनट मैं और दूंगी ये भी ऊपर से हो चुका है लेकिन इसको थोड़ा सा दस मिनट अभी मज़ीद दूंगी ये बेक होने में अच्छा दोनों का जो है ना बस टाइम मैंने एक साथ रखे थे लेकिन टिप्स मैंने आपको बता दी कि क्या करना है इसकी आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है और जो पतीले में हम करेंगे उसकी आंच आप मीडियम रखें मीडियम हाई भी रखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है टाइम जो है एक्यूरेट आपको इसलिए नहीं बता रही बीस पच्चीस तीस मिनट आप कर लें अंदाज़ा इतना लगेगा और मैंने कहा है ना कि पंद्रह मिनट के बाद आप चेक करें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अभी आपने इसको कितना कुक करना है और ये जो देखें पतीले वाला है बिल्कुल सही ज़बरदस्त परफेक्ट जैसे आपने ओवन में बेक किया है पैन का थोड़ा सा बस ये होता है कि ज़ाहिर उसमें हीट एकदम से तेज़ नहीं कर सकते आप और ऊपर से भी उसको इतनी हीट नहीं मिलती ऊपर से वो मेल्ट हो गया जितनी चाहिए वो हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट बेक होगा उसके टेस्ट में इतना कोई आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा लेकिन सिर्फ शक्ल में देखने में ये होगा कि वो जो दूसरा है वो थोड़ा ऊपर से कलरफुल सा बेक हुआ है और ये इसकी साइड जरा वाइट वाइट्स नहीं है अदरवाइज़ पूरा कम्प्लीटली दोनों सेम जो है ना तरीके से बेक हो चुके हैं तो यहाँ पर अब गर्मा गर्म पिज़्ज़ा है तो अभी मैं सर्व करने के लिए इसको मैं कट कर रही हूँ और ये हमेशा जो है ना मुझसे टेढ़ा ही कट होता है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कोई मज़ेदार खुशबू आ रही थी जैसे पतीले का ढक्कन उठाए ना आप तो इतनी मज़ेदार खुशबू आती हैं और ये देखें इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है पतीले के अंदर भी और पैन के अंदर भी तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बस जो टिप्स आपको बताएंगे उनको फॉलो कर लीजिएगा इन बेहतरीन किस्म का आपका पिज़्ज़ा बनेगा और बिल्कुल सॉफ्ट भी है और अच्छा सा ऊपर से क्रस्ट जो है वो मज़े का भी है ये आपको देखने से भी आइडिया हो रहा होगा तो बस अभी जो है ना खाना खाने का टाइम है भूख भी लग रही है और इस तरह की चीज़ सामने हो ना तो फिर तो देख के और ही ज़्यादा भूख लगती है तो गर्मा गर्मा मेरी कोशिश है कि बस मैं जल्दी जल्दी सबको दूँ सर्व करूँ क्योंकि पिज्ज़ा गर्म ही खाने में मज़ा आता है और बहुत मज़े के पिज़्ज़ा दोनों जो है ना वो बनकर तैयार हुए हैं तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो मेरी आज की पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सबर नहीं हुआ मुझसे मैंने सोचा कि थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ ज़बरदस्त लाजवाब पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ जरूर ट्राई कीजिएगा अल्लाह हाफिज